वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो आज 40.45 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा है। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक 2 पॉइंट की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले। टोटल 4.94% की गिरावट ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में देखने को मिले। आज फिर से देखा जाए तो लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आ चुका है। ओपन तो फ्लैट हुआ था, जैसे ओपन हुआ गिरावट हो चुकी थी, पर फिर से रिकवरी देखने को मिली थी। पर प्रीवियस क्लोजिंग ने एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का काम किया, जहाँ पे देख सकते कि फिर से रजिस्टेंस लगते ही गिरावट देखने को मिली और रिसेंटली लोअर सर्किट लग चुका है 40 लेवल के ऊपर। रिसेंटली देखा जाए तो देख सकते कि मार्केट कैप जो है यहाँ पे 8.16,000 करोड़ की है। मार्केट कैप 10,000 करोड़ के करीब जा चुकी थी, फिर से गिरावट देखने को मिली और रिसेंटली 8,000 करोड़ के करीब आ चुके हैं। पी रेशो भी अच्छा है, 9 के नीचे गिरा है पी रेशो भी। पिछले 5 दिनों में तो देख सकते तकरीबन 19.58% की गिरावट देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। तो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक का यहाँ पे वॉल्यूम देखा जाए तो 96 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक के अंदर। ट्रेडेड वैल्यू जो है 4,002 लाख की है। तो देखा जाए तो देख सकते सेलिंग के लिए 16 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी पेंडिंग दिखाई दे रहे स्टॉक के अंदर। सिक्योरिटी वाली डिलीवरी पोजीशन भी देखा जाए तो 94 लाख में से तकरीबन 52 लाख क्वांटिटी जो है वो डिलीवरी के लिए जाते हुए नजर आ चुकी है। टोटल 55% क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जा चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ब्राइटकॉम का चार्ट एनालिसिस देखा जाए तो रिसेंटली देख सकते गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो 50 लेवल जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 2-3 बार यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया गया था, तो रिसेंटली देख सकते कि उसी पे रेजिस्टेंस लेके गिरावट देखने को मिले। तो 40 लेवल के नीचे जाते हैं तो 35 लेवल तक जाने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं स्टॉक के अंदर। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट ब्राइटकॉम स्टॉक के लिए।